आगे 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 बढ़ आगे बढ़। हरे कृष्ण बोलो, आज कौन सा श्लोक है? बोला बोला ठीक हो गया ना जी। इधर आ गया ठीक। हरि बोल। हाँ और बच्चों बताओ किसको याद है? बोला श्रेया निष्णातम और याद क्या है? बोलो जिज्ञासु हाँ बोलो पंडित यानी बोलो याद नहीं क्या? और कौन याद क्या? और कोई याद क्या? बोलो और कौन याद क्या? बोलो जिज्ञासु शब्दे शब्दे परेच हाँ ठीक। और कोई याद किया? तुम लोग भी याद किया? कोशिश करना याद करने के लिए। ये एक एक वेद का मंत्र है हैं। देखो ये जो श्लोक है सब बैठ जा। देखो ये श्लोक है, ध्यान देकर सुनो। ये श्लोक कहाँ का और कौन क्यों किस लिए बताया? कहते जिस समय एक समय भगवान द्वारका में एक बहुत बड़े यज्ञ के अनुष्ठान किया है, जो यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ। क्या नाम था उसका? मतलब विश्व में शांति सुख कैसे हो, हम सब कुछ इसीलिए करते हैं। घर में शांति सुख हो जगत में, और जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं वसुदेव महाराज स्वयं जहाँ पर, और वहाँ पर बलदेव प्रभु स्वयं वहाँ पर, और कृष्ण के 16108 पटरानियाँ वहाँ पर, और बड़े तोड़ शोर से वो यज्ञ हो रही थी। बड़े बड़े हाँ गैया घी और यज्ञ की लकड़ी तो उसको तो लगाते हैं ना, ज़्यादा ताकत नहीं पर लगाते। इसलिए उन्होंने एक चंदन का लकड़ी मंगाया गया और बड़े धूमधाम से यज्ञ हो रहा था। इंद्र स्वाहा वरुणाय स्वाहा 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 हो रहा था। नियम है जब कोई यज्ञ प्रारंभ हो जब तक उसकी पूर्णाहुति नहीं हो जाए बीच में बंद नहीं करनी चाहिए, फिर यज्ञ का फल नहीं मिलता। लेकिन ठीक यज्ञों का बीच में देखा एक ज्योति को उतरते हुए, सब लोग देखने लगे भाई ये ज्योति कहाँ से उतर रहा है। जब वो धीरे धीरे ज्योति नीचे उतरा दिखा नहीं कोई एक इंसान है, लेकिन एकदम जब वो नीचे उतर करके आ गए बोले वो निशान नहीं श्री नारद जी है। कौन है? नारद जी भगवान के परम भक्त है। नारद जी को देख करके वहाँ पर वसुदेव महाराज खड़े हो गए, बोले यज्ञ बंद कर, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो काम के लिए यज्ञ कर रहे तो यज्ञ का फल तो आ गया। नारद जी आ गए ना, बोले यज्ञ बंद कर दो। जिस सिंहासन में कृष्ण बैठते थे नारद जी को उसी सिंहासन में बैठा दिया। ठाकुर स्वयं बलदेव प्रभु देवो के वसुदेव उनकी चरणों को उन्होंने अभिषेक किया, धो करके चरणामृत ठाकुर जी दिए, और उनका चरणामृतों को संपूर्ण द्वारका में शांति जल रूप में छिड़काव करवाए। हमारे देश में शांति सुख हमारे देश में हो। और इतने में श्री वसुदेव महाराज कहते हैं बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। देखो कितने बड़े यज्ञ हो रही थी, कितने बड़े यज्ञ हो रही थी जिसका नाम था, क्या नाम था बोलो? हाँ विश्व शांति महायज्ञ। इतने बड़े यज्ञ हो रही थी, इतने हैं ऋषि मुनि लोग, लेकिन बीच में यज्ञ को बंद करके देखो क्यों बंद कर दिया? ऐसा कारण कहते हैं बोले दुर्लभ मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम। कदि जो मानव शरीर है बड़े भाग मान सतन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिलता है,
लेकिन मिलता तो है, लेकिन क्षण भंगुरा। जैसे कमल दला जला जीवन टलमल, जैसे कमल का पत्ते के ऊपर में पानी रखो किसी समय में भी वो गिर सकता है। अभी देखा करुणा में दिखाया ना, कभी जीवन ठीक वैसे है, जिसको कोई पता नहीं था ये जाने वाले, वो व्यक्ति भी कहीं भी परिवार में किसको देखो कोई ना कोई गया है करुणा में, कोई ना कोई गया करुणा में है। और मेरे पास में सबसे ज़्यादा फोन आता था, क्योंकि सारा दुनिया में जाता हूँ ना, कहीं से खबर आता महाराज अमुक व्यक्ति चला गया, अमुक व्यक्ति चला गया, अमुक व्यक्ति चला गया है। इसलिए कभी जीवन एकदम कब ये खत्म हो जाएगा कोई बोल नहीं सकते, ये कब खत्म होने वाला। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, लेकिन एक में तो मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्लभ किया है, बोले सबसे ज़्यादा दुर्लभ है जीवन में भगवान के भक्तों का दर्शन। अगर जीवन में भक्तों का संतों का दर्शन हो गया, यहाँ पर श्री वसुदेव महाराज कह रहे हैं, कहते ये समझ लो भगवान को मिलना और ज़्यादा देर नहीं, जल्दी जल्दी अब ठाकुर मिलने वाले। इसलिए जब विभीषण से हनुमान मिले, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी राम के सबसे प्रिय भक्त है, तब विभीषण क्या कहते हैं, आज मैं भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना विजय नहीं सकता। इसलिए जो रघुवीर मय अनुग्रह की तो मई दरअसल ठगनी, लगता है मेरे ऊपर में आज प्रभु राम की कोई कृपा होगी। मैं कभी सोच नहीं सकता था जहाँ पर राक्षस राक्षस है और उसको बीच में भगवान के सबसे प्यारे भक्त हनुमान का दर्शन, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। लगता है राम मिलने में ज़्यादा देर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर श्री, जब जीवन में साधु दर्शन हो जाए, इसका मतलब है हमारा संसार का दुख कष्ट सब खत्म हो गया और संसार में दुख कष्ट भोगना नहीं, ठाकुर इस बार ही हमें अपना चरण में स्थान दे देंगे है। इसलिए यहाँ कहते तत्रापि दुर्लभ मन्ने, कहते भगवत दर्शन से भी ज़्यादा जो महत्व है संत दर्शन। जैसे तुम्हारे घर में तो ठाकुर है नहीं, है कि नहीं घर में ठाकुर, गोपाल होगा किस किस घर में, राधा कृष्णा सीताराम किसका किस घर में भगवान होएंगे, लेकिन मंदिर में फिर क्यों आए, तुम्हारे घर में तो भगवान है। क्योंकि जो ठाकुर हमसे बात नहीं करते, ठाकुर हमसे बोलते नहीं, ठाकुर हमें बात नहीं करते, इसलिए बात हमें कौन करता है, संत करते हैं। हमें भजन के उपदेश कौन देते हैं, संत देते हैं। भक्ति के उपदेश हमें संत प्रदान करते हैं। इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, इसलिए संतों का कृपा नहीं होगा तो विवेक नहीं होगा। और राम कृपा बिनो सुलभ नाश हो, जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं हो तब तक सुलभ नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी आने पर सारे यज्ञ बंद करवा दिया, बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, यज्ञ का फल हमें मिल गया। तब उन्होंने, तब श्री नारद जी को हैं वसुदेव महाराज ने वहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया है जीवन में शांति कैसे मिलेगा। जब उन्होंने ये प्रश्न की तब श्री नारद जी कहते हैं, एक समय श्री नेमि महाराज का दरबार में नभ जोगेंद्र पहुँचे, बड़े कवि अभि अंतरिक प्रबुद्ध पिपलायन, बड़े बड़े ऋषि दीपक दृष्टा ऋषि वो सर्वत्र विचरण करते हैं। एक समय श्री नेमि महाराज का दरबार में पहुँचे, तब नेमि महाराज जो नौ संतों थे उनको एक एक उन्होंने प्रश्न किया। तब उन्होंने एक संतों को एक प्रश्न किया, कहते जो माया है ना ये बड़ा ठगिन है, माया बड़ा ठगिन है। वो माया, माया मतलब क्या है, जो जो चीज़ नहीं उसको ये माया हाँ करा देती है। इस संसार में कोई किसी का है ही नहीं, लेकिन हम संसार में पड़े हुए हैं, मेरे बेटा मेरी बेटी मेरी बीवी मेरी पत्नी मेरे बच्चे, इसी के चक्कर में तो पड़े हुए संसार में, लेकिन थोड़ी कोई किसी का, ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला में इकट्ठे हुए हो हैं। रात में जैसे गप्पे मारते सवेरे होते ही चले जाते हैं, या गप्पे मार रहे हैं बैठी बैठी के, तुम मेरी बीवी हो मैं तेरे पति हूँ, तुम्हारी बेटा हो मैं तेरी बेटी हूँ, तेरे तेरे पोता हो पोती हूँ, ये गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं। जिसका समय आएगा ना यहाँ से उसको उतरना पड़ेगा, जैसे गाड़ी में टिकट बना कर जाते हैं ना, कहाँ तक टिकट है, जहाँ तक तुमने टिकट बनाया, आज जब तक जाते हो अड़ोस पड़ोस में बात कर ले तो कहाँ से आए समय आएगा। कहती जो माया बड़ी ठगिनी है, ये माया को इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुर्वतया, ये मेरी माया को जगत में कोई पार नहीं पा सकते, कोई नहीं पार सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न करते, ये माया बड़ी ठगिनी है, लेकिन ये माया को जीव कैसे पार कर सकते,
मायावजी पार कैसे कर सकते। जब उन्होंने प्रश्न किया कि बच्चों ने जो जो श्लोक पढ़ा है ना, तब श्री नव जोगेंद्र ये श्लोक कहते हैं, बोले तस्मात गुरु प्रपद्येत। मतलब है अगर माया संसार से कोई पार होना चाहते हैं तो बोले एक उपाय है, तस्मात गुरु प्रपद्येत, गुरु जी की शरण में जाओ। हैं तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बोले क्या प्रश्न करना? बोले साधु संतों के पास में जाकर के ये दुनियादार की बात मत क्या करो, संसार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो गया, वो गया, वो सब बात मत करो उनके पास में। ईंट पत्थर की बात मत करो, हीरे जवाहरात की बात करो, भगवान की प्रश्न करो, ठाकुर संबंधी प्रश्न करो। हैं इसलिए जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। श्रेय उत्तमम मतलब है संतों के पास में ये प्रश्न करो, जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जन्म जन्मांतर का जो दुख है चिरकाल के लिए खत्म हो जाए, फिर ये माया के संसार में आना ही नहीं पड़े। वास्तव शांति कैसे मिले? लेकिन संसार का सुख कैसे है? वो थोड़ी समय के लिए, जैसे कोई सुख थोड़ी समय के लिए आया ना, देखना थोड़ी समय के लिए आए, थोड़ी देर बाद फिर गायब हो जाता, फिर दुख आ जाता। सोचते हैं ये दुख किस तरह से हल हो जाए, शायद चैन मिलेगी। देखना एक दुख तो दूर नहीं हुई, सामने और भी दुख आ समस्या है। ऐसे समस्या करते करते जीवन बीत जाती है। हम सुख किसको मानते हैं? केवल दुख का प्रतिकार को ही सुख मानते हैं, लेकिन वास्तव रूप में जीवन सुख में नहीं मिलता है। केवल प्रतिकार, ये होने पर होगा, ये होने पर होगा, करते 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 जीवन खत्म। लेकिन इनका प्रश्न है क्या जगत में ऐसे वस्तु है जिसको पाने से जीव का चिरकाल के लिए सब दुख दूर हो जाए? ये प्रश्न करो इसको पास में, बोले गुरु जी को पास में जाकर के ये प्रश्न करो। तब फिर दूसरे लाइन में कहते हैं, भैया गुरु जी को पास में जाकर तो प्रश्न करे, लेकिन गुरु जी का तो कुछ लक्षण भी तो होनी चाहिए ना। गुरु जी को क्या लक्षण होनी चाहिए? बोले पहले सुना था ना, गुरु जी के दो लक्षण होने चाहिए, सप्ते परे च निष्णातम ब्रह्म निपसमाश्रय तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम। पहला जो गुण है समस्त शास्त्र में उनको पारंगत होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र नहीं पता होगा तो शिष्य का जो शंका है गुरुदेव दूर नहीं कर सकते। पहला गुण क्या हो? सारे शास्त्र में जानकारी हो। कहते ये क्या सब कुछ बोल नहीं, कहते परिचय। परिचय मतलब होता है शास्त्र की अनुभूति भी होनी चाहिए, केवल ऐसे नहीं बोलने के लिए रट लिया और अपना जीवन में कोई आचरण नहीं, केवल दूसरों को उपदेश के लिए बोलते हैं, फिर वो हृदय में नहीं उतरता है। वो बात पर हृदय में तुम्हारी उतरने वाले नहीं, वो सर का पर से उठ जाए। क्यों? वो व्यक्ति पालन नहीं करता है। देखो एक समय एक व्यक्ति का बच्चा बहुत गुड़ खाता था, गुड़ का भी एक लिमिटेड है, अगर ज़्यादा खाएगा तो क्या होता? हाँ क्या जाएगा? पेट में कीड़े हो जाएंगे। इसलिए अगर ज़्यादा खाएगा दांत गले जाएंगे, इसलिए ज़्यादा ही गुड़ खाता था। अभी पिता बोलते बोलते परेशानी, वो बच्चा सुनता नहीं, गुड़ गुड़ दिन भर खाता है। एक दिन उन्होंने अपना बच्चे को लेकर के संत के पास में गए, बोले बाबा ये बच्चा मेरा बात नहीं सुनता, बहुत गुड़ खाता है और गुड़ खाते खाते ही कमजोर हो रहा है और बात नहीं सुनता है। बाबा आप थोड़ा उसको बोल दो जैसे गुड़ छोड़ दे। तब संत ने कहा सात दिन बाद में आए। तब उन्होंने सात दिन बाद में गए, जब गए इतने में संत ने बोले बोले बेटा ज़्यादा गुड़ मत खाया करो, खाने से तबियत खराब हो जाएगा, ज़्यादा मत खाया करो। जो बोले जो व्यक्ति ले गया था ना, उसको पिता ने कहा गुरुदेव मैं जब सात दिन पहले आया था आपने उसी समय क्यों नहीं बोले, अभी क्यों बोल रहे हो? बोले बेटा उसी समय मैं भी गुड़ खाता था, उस समय मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए जो गुड़ को मैं खुद खाता हूँ अगर मैं किसको बोल दूँ ना फिर तो अपना जीवन उतार नहीं पाएगा, उसके जीवन में उतारेगा नहीं। इसलिए सात दिन में मैंने खुद को गुड़ को कम करते 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 गुड़ को खाना खत्म कर दिया, इसलिए मैं आज ये बात को बताने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए कहते शाब्दे परेच निष्णातम हैं और ब्रह्म नीप समाश्रयम, ब्रह्म में प्रतिष्ठित होनी चाहिए, संसार की वस्तु से दूर होनी चाहिए। कहते ये गुरु जी का लक्षण है। समझ गए कि श्लोक का इतने बढ़िया अर्थ है? अगर एक एक श्लोक याद करोगे ना, एक एक मंत्र है, एक एक मंत्र। इसलिए कोशिश करना जितना दूर हो सके, दिन में अगर एक नहीं कर सकते दो दिन में भी एक कर लेना, ठीक है? तुम लोगों का अभी बोले नहीं, कोशिश करना जो पहले का भी
उसको भी याद करने के लिए, ठीक है। और ये संस्कृत है ना, थोड़ी सी रटने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक जगह पर बैठ करके ना थोड़ी सी रटना पड़ेगा, थोड़ी सी रटना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार याद हो गया तो जिंदगी भर के लिए हो गया। पीछे जो श्लोक है ना उसको भी तुम्हें याद रख देना। और जब 10-12 दिन 15 दिन हो जाएगा फिर हम बोलेंगे पहले से 2 बार फिर सुना है। अब फिर जब ये गुरु तत्व खत्म हो जाएगा, फिर ये गुरु तत्व के ऊपर में गुरु कौन है, उनका क्या लक्षण होने चाहिए, कोई शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में है कि नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है 4 वैष्णव संप्रदाय, श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक, ये पद्म पुराण कहता है। अगर हमें भक्ति करना तो ये 4 ही संप्रदाय में कोई एक संप्रदाय को हमें आधार, मतलब हमें आश्रय लेनी चाहिए। शास्त्र कहता है तभी तुम्हें भगवत प्राप्ति होगा। अगर इसको छोड़ कर और कहीं मंत्र लोगे, शास्त्र कहता है निष्फला मता, वो मंत्र कोई काम नहीं करेगा। मंत्र तो ले सकते हो लेकिन मंत्र में कोई काम नहीं होगा। बोले क्यों? चूंकि वो मंत्र भगवान से आया हुआ मंत्र नहीं। जैसे हम लोग जो मंत्र जप करते हैं, गोपाल मंत्र कहाँ से आया है? सर्वप्रथम सत्य युग में ब्रह्मा जी को कृष्ण बंसी ध्वनि से ब्रह्मा जी को प्रदान किया, वही मंत्र ब्रह्मा जी नारद जी को दिया, नारद जी व्यास देव, व्यास देव फिर उन्हें देते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी को। करते 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 सत्य युग से ये गुरु परंपरा रूप में मंत्र आया। अगर ये मंत्र जप करेगा तो कोई जरूर ये भगवान के पास में जाएगा, क्यों? मंत्र ठाकुर जी से आया। इसलिए नियम है 4 संप्रदाय से कोई एक संप्रदाय में हमें अंतर्भुक्त हो करके ही हमें क्या करनी चाहिए, मंत्र लेनी चाहिए, तब ये मंत्र हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है, ठीक है। और आज तुम लोग जाते समय प्रभु जी से और एक श्लोक लेकर के और एक श्लोक लेकर जाना, ठीक है। और ये बच्ची बोल रहे थे प्रभु महाराज जी सवेरे आकर के बोली महाराज जी आज मैं भी कुछ सुना, आज आज माइक दे दो। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति विदान सिद्धर गोस्वामी नामिने नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिति गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। सर्वथा मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्रीमद् भक्ति विदान सिद्धर गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत नित्र लाप विष्णु ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्रीमद् भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पण करती हूँ। उनके आयुतु की वाण से ही कृपा करते हैं मेरे शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद बलराम प्रभु के चरणों में मेरा अथयोगी दंडवत प्रणाम और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। देखो वो बहुत कंजूस थे, मतलब एक भी रुपया खर्च करने की उनकी नीयत नहीं थी, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी भक्ति में लीन थी। तो उनको बोली कि तुम किसी को दान तो देते नहीं, तो वो बोले कि बावली दान देने के लिए पैसा कमा रहे हम, अरे अपने घर में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे, दान वान की बात ना कर। तो बोली अरे मैं तो इसलिए कह रही तुम किसी को दान नहीं देते, किसी तीर्थ स्थान पे नहीं जाते, कम से कम हरिद्वार ही नहाया हो, यहाँ से 10 किलोमीटर ही है, किसी की बुग्गी में बैठ के चले जाइयो। तो बोले हाँ ये बात तो तू ठीक बोल रही और बहुत टाइम हो रहा, चल चला जाऊँगा मैं हरिद्वार। तो वो हरिद्वार चल दिए पैदल ही, ये 10 किलोमीटर ही तो है, शाम तक पहुँच जाऊँगा। तो वो पहुँच गए, तो वहाँ जाके उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं घाट पे स्नान करने गया तो मुझे वहाँ के पंडे घेर लेंगे और कुछ भी नहीं 125 रुपये मेरे से ज़रूर मांगेंगे, तो मैं वहाँ जाता ही नहीं। मैं कहाँ जाता हूँ, जहाँ पे लोग अंतिम संस्कार करते हैं, वहाँ पे कोई पंडा नहीं आने का। तो वो गए तो भगवान भी देख रहे कि ये पंडित जी तो बहुत कंजूस है, आज इसके साथ कुछ बातचीत करनी चाहिए। तो वो जैसे ही डुबकी लगा के गंगा जी से बाहर आए, बाहर यजमान खड़े, साधु के बीच में भगवान खड़े। तो बोले यजमान यजमान आज तो आपके मेरे बहुत दिन में दर्शन हुए और आज तो आपको कुछ दान दक्षिणा देनी ही होगी। तो बोले बाबा तुम कहाँ
कहाँ से आए यहाँ, यहाँ तो कोई नहीं था। बोले यजमान महीने में कोई एक आदि तो आता है, मैं भी यहीं एक कुटिया में था, मैंने देखा आप स्नान कर रहे हैं इसलिए मैं आ गया। बोला अच्छा तो क्या चाहिए? बस यजमान कुछ नहीं, एक साल की रोटी का प्रबंध करा दो। एक साल की? वो बोले एक साल की तुम मेरे से नाश रखो एक दिन की भी। पंडित जी बोले कि मुझसे नाश रखो एक दिन की भी। बोले बच्चा कुछ तो आपको दान दक्षिणा देनी ही चाहिए। बोले तो फिर तुम मुझे एक मतलब सवा रुपया दे दो। तो बोले सवा रुपया बाबा पांच बार कथा करने जाऊँ सत्यनारायण की जब इकट्ठा हुए और तुमने एक बार के ही मांगला यूँ नहीं मिलने का। बोले अच्छा तो चलो एक आना ही दे दो। नहीं बाबा बिल्कुल नहीं दूँ, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बोले अच्छा उधारी कर लो। कितना? एक धेला, एक पैसा और वो भी उधार। तो बोले चलो कोई बात नहीं यजमान, कम से कम आपने दान दिया तो सही। अब वो अपने घर चले गए, उन्होंने पता पूछ लिया कि एक रुपया लेने कहाँ पे आना है। तो एक हफ्ते के बाद भगवान साधु का रूप रख के पंडित जी के द्वार पे पहुँचे और बोले, उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और बोले कृपा शंकर जी पंडित जी यहीं रहते हैं? बोले हाँ जी यहीं रहते हैं, कथा करवानी? बोले नहीं कथा नहीं करानी, वो आए थे ना अभी हरिद्वार तो उन्होंने बोला था कि एक पैसे का उधार दिया था, दान दिया था, उनको बोलो वो आए हैं। पत्नी अंदर गई, बोली हरिद्वार में कोई पंडित जी मिले थे? बोले हाँ मिले तो थे, दान दिया था कुछ? बोले नहीं, वो ज़बरदस्ती चिपट गया था, कह रहा एक रुपया दे दियो तो दे देंगे। तो वो आए बाहर, बोले तो आ गए, वो इतनी जल्दी आ गया? उसे यूँ कहते वो घर पर नहीं है। वो बाहर गई, बोली बाबा वो तो घर पर नहीं है। तो वो बोले कोई बात नहीं मैं इंतज़ार कर लूँगा, भगवान ही बड़े हैवी थे कि मैं इंतज़ार कर लूँगा, इतने मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। अब वो अंदर गई, बोली कि वो तो ये बोल रहे कि मैं इंतज़ार कर लूँगा मेरे लिए खाने का प्रबंध करो, अच्छा खाना भी हमारे ही खाएगा? उसे वो कहते वो तो बीमार हो रहे। अब वो बाहर गई, बोली बाबा वो तो बीमार हो रहे हैं, उनकी तो तबीयत ठीक होने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा। अच्छा मेरे यजमान की तबीयत खराब और मैं बाहर जाके गुड़छल्ले उड़ाऊँ? मैं तो यहीं रह के उनकी सेवा करूँगा। अब वो अंदर गई, बोली वे तो ये बोल रहे कि मैं तो उनकी यहीं रह के सेवा करूँगा। बोले अच्छा, तो उसे यूँ कह दे वो तो चल बसे। अब वो गई, वो अंदर जाके बोले कि बाबा वो तो अभी अभी चल बसे। बोले अच्छा बेटी तेरा तो कोई रिश्तेदार रिश्तेदार भी नहीं है, चल सारी क्रिया मैं ही करवा दूँ। उसने भी मोहल्ले में सबको न्योता दे दिया कि कृपा शंकर जी के प्राण पखेरे उड़ गए, आप सब आ जाइए। सब लोग आ गए। अब उसने भी अंदर जाके देखा, वो भी दड़ खींचे पड़ा, मतलब योग जानता था तो सांस खींचने की कला उसे आती थी, तो वो भी बिल्कुल ऐसे लेटा जैसे बिल्कुल प्राण नहीं है। अब क्या हुआ, उसे अर्थी पे लिटा लिया। अब वो पत्नी बार बार कहे जा रही, अरे भाई ये मरे नहीं, ये तो जी। तो बोले बेटी क्यों चिंता कर रही, जाने वाला तो चला गया, अब क्यों विलाप कर रही तू, चल तू अंदर बैठ जा के। अब वो बार बार कहे जा रही लेकिन कोई सुनने वाला कहाँ, उन्हें लग रहा है ये इनके दुख में बोल रही है। अब उसे अर्थी पे लिटा लिया, फिर भी उसने सांस नहीं लिया, क्योंकि अगर सांस ले लेता तो एक धेला उसे देना पड़ जाता एक पैसा। तो भगवान ने सोचा कि चलो अब इसे बता देना चाहिए। तो भगवान ने उसके कान में कहा कि मैंने तेरे जैसा भी कंजूस आज तक नहीं देखा, और मांग तू क्या मांगता है, मैं तेरी इस लीला से बड़ा प्रसन्न हूँ। तो पता फिर भी उसने क्या मांगा, भगवान सामने है फिर भी क्या मांगा, हे प्रभु इतनी कृपा कर दो आज, जो धेला दिया दान में वो छोड़ दीजिए आज। मतलब भगवान सामने हैं फिर भी धेला ही छुड़वा रहे हैं, फिर भी पैसे की ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ वांछा कल्प करूँ कृपा सिंधु भैया पति का नाम पावने गो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा। कोई कथा बोलने के लिए ना कि बहुत ये लोग बहुत सोचे होंगे क्या बोलेंगे, सारा दिन जब सोचते सोचते हैं ना तब जाकर खड़े हो गए दो शब्द बोलता है। ये भगवान ने ये चित्त लगाने का सबसे बड़ा उपाय है, जैसे बच्चे का एग्जाम बोलना है, एग्जाम के लिए बच्चे क्या करते हैं, कल भी होगा ना रात को बता दी रात पूरा पुस्तकों के दिमाग में, ये जो कथा बोलना है ये एक तरह का एग्जाम है, एक तरह का ये एग्जाम। ओम अज्ञान त्रिमान दश्य ज्ञानांजन श्लोक्या चक्षुमलेन्तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः वांछा कल्पतृ कृपा सिन्धुये च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, तत्पश्चात आप सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यज्ञ प्रणाम।
जानते हैं वृंदावन, वृंदावन जाना हम सोचते हैं कि वृंदावन हम अपनी मर्जी से जाते हैं, हमारे पैसे हैं हम अपनी मर्जी से जाते हैं। नहीं, वृंदावन में कोई ऐसे नहीं जाता, जिसे श्री किशोरी जी बुलाती हैं सिर्फ वही वृंदावन जाता है। यूँ ही थोड़े ना कि कोई भी चला जाएगा, पहले किशोरी जी चिट्ठी भेजती हैं, जब भक्त के पास ये चिट्ठी आती है फिर श्री हरि उसके हृदय में वास करते हैं, तत्पश्चात हम वृंदावन जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना कोई वृंदावन जाता है। वृंदावन, वृंदावन में जो बांके बिहारी हैं ना, वे वो तीन जगह से टेढ़े हैं, और जो वे भक्तों की नज़रों से नैन मिलाते हैं ना, तो वे भक्तों का हृदय चुरा लेते हैं। तो जो कोई एक बार वृंदावन गया, अब उससे दोबारा पूछो ना कि भाई वृंदावन चलेगा? हाँ जरूर चलूँगा, क्योंकि उसका दिल चुरा लिया गया, श्री बांके बिहारी ने चुरा लिया गया। अब वृंदावन की महिमा कहते हैं, वृंदावन के वृक्ष नो मरम न जाने कोए, जहाँ डाल डाल और पद पद पर श्री राधा राधा होए। अर्थात वृंदावन की महिमा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी बखान नहीं कर सकते कि वृंदावन क्या है। अब वृंदावन की रज, वृंदावन की रज की महिमा इतनी है कि जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण कहते हैं ना कि प्रभु मुझे वृंदावन में आप पक्षी बना देना, तो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु पक्षी मत बनाना, चलो पेड़ ही बना देना। अब कहते हैं चलो प्रभु पेड़ भी ना बनाओ, तो आप वृंदावन का एक पत्थर ही बना देना मुझे, क्योंकि और पत्थर भी कहाँ का, एक ग्वाले के घर के बाहर का पत्थर बनाना, जो वो वृंदावन से चल के आए ना तो मेरे पत्थर पर पैर रगड़े, और जब पैर रगड़े तो जो व्रज की रज है ना मेरे मस्तक पर लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं कि मुझे ग्वाले के बाहर का पत्थर बना देना। व्रज रज की ये महिमा है। एक समय की बात है, एक पति और पत्नी थे, तो पत्नी बहुत भगवान का नाम लेती, हर महीने वृंदावन जाती और श्री बिहारी जी के दर्शन करती। तो वो अपने पति से कहती, स्वामी आप भी चले वृंदावन, आप भी दर्शन कराएं बिहारी जी के। तो वो बहुत व्यस्त था, कहने लगा अरे नहीं तुम ही जाओ, मैं तो यहीं ठीक हूँ। कहती नहीं स्वामी आप भी एक बार चलो ना वृंदावन, चलते हैं वृंदावन। वो कहता नहीं अरे मैं बिजी हूँ मैं नहीं जा सकता। तो कहती स्वामी आप चलिए ना एक बार, वो बहुत हट कर लेती है। तो कहते हैं चलो चलते हैं। तो अब दोनों वृंदावन आए, वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन किए, और जैसे ही बाहर निकले वहाँ बहुत भीड़ हो गई। भीड़ में एक नंदी आ पहुँचे और वहाँ आकर उसके उनके पति के पेट में अपने सींग दे दिए, और सींग देते ही वो मर गए। अब मर गए, मरने के बाद निश्चय होता है ना स्वर्ग जाएगा या नरक, तो वो कहीं नहीं गए, वो श्री हरि जी के चरणों में चले गए। अब एक दूत खड़े थे, बोले प्रभु इन्होंने तो जीवन भर कुछ नाम भी नहीं किया और ये आपके चरणों में कैसे आ गए? अब श्री हरि मुस्कुराए और बोले ये व्रज रज की महिमा है, ये मेरे चरणों में ऐसे आ गए। जो वो नंदी थे ना, जो उनके सींग पर रज लगी थी, वो व्रज रज थी। जो जब इसके पेट में सींग दिए तो वो इसके रक्त में मिलकर पूरे शरीर में मिल गई, और जिसके रोम रोम में व्रज की रज हो वो मेरे चरणों में कैसे ना आए, ये है व्रज रज की महिमा। अब व्रज रज की महिमा, अब आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपके जरा से भी मिट्टी लग गई तो आप उसे झाड़ोगे कि ये मेरे कपड़े गंदे हो गए, यहाँ की मिट्टी लग गई। पर वहाँ कहते हैं वृंदावन में जो गोकुल है नमन की रीति, वहाँ लोग लोट पोट होके व्रज रज में कहते हैं, बड़े बड़े साधु संत उस रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ये है व्रज रज की महिमा। इसका बखान स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं कर पाए, व्रज रज की महिमा। जब श्री नारद जी हैं, नारद जी को भगवान बोले सबसे प्यारे भक्त आपका कौन है, बोले एक दिन में बताऊंगा। तब कोई चरण धूल, बोले अगर कोई चरण धूलि दे दे मेरे जो बुखार सर दर्द सही होगा, कोई दिया नहीं, लेकिन ये ब्रजवासियों ने दिया। नारद जी सर पर लेकर द्वारका गए,
जब भगवान को स्नान कराया गया तब ये सर दर्द बुखार सही हुआ। इसलिए वो वहीं से ये ब्रज जो तिलक लगाते हैं वो वहीं से ये ब्रजरज आती है, हैं, ये द्वारका से ये ब्रजरज आती है। बोले एक समय क्या हुआ, एक दो राजा में लड़ाई हुई, दो राजा में जब लड़ाई हुई इतने में एक राजा का सर काट दिया। जब काट दिया इतने में उसका जब सर जहाँ पर गिरा था, अब लोग देखना जैसे तिलक लगा तो हाथ में पानी लेकर ऐसे घिसते ना, वो एक संत वहाँ पर स्नान करके जब उन्होंने हाथों में तिलक को घिसा, जैसे अब देखना कभी कभी पानी टपक जाती है नीचे, वो तिलक का पानी नीचे गिर पड़ा था, तिलक का पानी नीचे गिर पड़ा था। जब उसको सर को काट दिए वो सर वो तिलक का पानी के ऊपर गिरा था। जब पानी के ऊपर गिरा उसको मृत्यु का समय में ये ब्रजरज लग गया, लग गया तो जमपुरी में गया, अभी पूर्व जन्म का पाप का अनुरूप उसको दंड दिया। बोले दंड किया, बोले खौलते हुए एकदम तेल में उसको छोड़ देना, क्योंकि पहले पहले जो माछ मछली खाते हैं वो एकदम खौलते हुए तेल में उसको छोंकते हैं, वो ऐसे पाप किया था, लेकिन खौलते हुए तेल को अंदर में जिसको फेंक दिया वो पानी ठंडा हो गया, वो पानी ठंडा हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ, नीचे आग जल रही है लेकिन वो पानी एकदम ठंडा तेल। बोले भैया ऐसे कैसे हो गया, बोले इसका कारण ना, बोले कारण है जब उसका सर कट गया था, उसका सर गिरा था ये तिलक के ऊपर। इसलिए कहते हैं जो तिलक हम लोग धारण करते हैं इसकी इतने महिमा पुराण में बताया, ये तिलक की इतने कहती ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये ठाकुर का दो चरण है, उसका जो नीचे भाग देखो तुलसी दल, मानो जैसे ठाकुर का चरण में हमने तुलसी दल अर्पण किया है, ये तिलक कोई साधारण नहीं है। ललाट श्री केशवाय नमः, उदर नारायण बख्य माधव कंठे गोविंद दक्षिण पार से मधुसूदन त्रिविक्रम, बारों जगह में भगवान बार जैसे कर्ण का शरीर में कवच होता, ये तिलक रूप में कवच शरीर में, अगर आप ये तिलक सही सही धारण किए ना आपको ऊपर में कोई भूत विषाद डाकिन साकिन कोई ग्रह उल्टा पुल्टा ग्रह आपको ऊपर में लगेगा नहीं। तिलक लगा कर अगर कहीं बाहर गए ना आपको एक्सीडेंट भी नहीं होगा, क्योंकि ये तिलक रूप में ये रक्षा मंत्र है, तिलक रूप में ये रक्षा मंत्र हमारे शरीर को ये रक्षा कर रहे हैं, इतने महिमा ये तिलक की। इसलिए आप लोग रोज ये तिलक को जरूर धारण कर, तिलक का बड़ी महिमा है। ठीक है बच्चे को धन्यवाद, तिलक की महिमा तुम बताए। हाँ इसलिए हाँ कौन बोलेगा, श्यामानंद तुम बोलो, उसका तुम बोलना लास्ट में। ठीक है आज जल्दी फटाफट आओ। हाँ देखो कल हम लोग कहाँ जाओगे, सुगरताल हम जाएंगे, सुबह हम कितने बजे बस आएगी, हम सबको बोलो 6 बजे आ जाए, क्योंकि जितने जितने सुना इधर जितने जल्दी हम जाएंगे ना उतना जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि अगर किसी को बोले 7 बजे आए ना वो 8 बजे घर का काम करके आएगा, अगर 6 बजे आ जाए, अगर 6 बजे बोलेंगे तो कम से कम 7 बजे हमारी बस छूट जाएगी, और 7 बजे बस छूट जाएगी तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी फिर हम स्नान करके, क्योंकि अभी धूप है, अभी धूप है, अगर लेट में जाओगे वहाँ पर आपको धूप मिलेगा, हैं धूप मिलेगा, इसलिए ठंडा ठंडा में चले जाएंगे और दोपहर में ठंडा ठंडा में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जाते समय आप लोगों ने जो प्रसाद है अपना अपना घर से ही जिसको जैसे जैसे जो चीज़ पसंद है अपना मनपसंद प्रसाद बना करके ले आना, ठाकुर जी को भोग लगा कर ले आना, और वहाँ पर एक मंदिर में बैठे करके हम सबके सब वहीं पर प्रसाद पा लेंगे। ठीक है और जल्दी जल्दी आ जाना, बस यहीं सामने खड़ी होगी, बस यहीं सामने खड़ी होगी। बोलो ओम अज्ञान निराम दर्श ज्ञान सगाया दर्श गुरु मिलितम वेदस्मि शिव हरे नमः वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबसे पहले गुरुपाद पद्म
ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर चतुर्थ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री गुरुवत्सल गुरु महाराज जी चरण साष्टांग प्रणाम गोविंद करने के लिए कृपा मंच करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव पर निकलेगा प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर चतुर्थ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नितलीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण साष्टांग प्रणाम सपरिकर सोपासद जगत गुरु प्रभुपाद जी के चरण साष्टांग प्रणाम गौर नित्यानंद प्रभु समय सपरिकर गौर हरि बलदेव विद्याभूषण प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभु रसिकानंद सामंद प्रभु जन साष्टांग प्रणाम सपरिकर गौर जुगल किशोर श्री राधा गोविंद जी के चरण साष्टांग प्रणाम उपस्थित सतीर्थ गुरु हरदंद पूज्यपाद प्रेम प्रभु पूज्यपाद श्रीकांत प्रभु जी कृष्ण प्रभु समस्त वैष्णव वैष्णव जी तुम्हें अभिनंदन प्रभु जी भगवान श्रीकांत। आज एक विशेष तिथि है, हम हर दिन प्रातःकाल से ठाकुर जी के मंदिर में और हर समय जय ध्वनि देते हैं और जय ध्वनि में बीच में ही एक आचार्य हमारे गौड़ीय के आचार्य नाम आता है जिनका नाम गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का आज सुबह तिरोभाव तिथि है। तो इनका नाम ही देखो किस प्रकार गौड़ीय वेदांत आचार्य, ये गौड़ीय वेदांत का आचार्य है। तो इसमें प्रश्न उठता है भाई गौड़ीय में तो बहुत सारे आचार्य हैं प्रभुपाद और प्रभुपाद से लेके हम जितने आचार्य का नाम देते हैं सब में गौड़ीय वार नहीं लगता, लेकिन इनमें विशेष करके लगता है कि गौड़ीय वेदांत आचार्य इनमें जो गौड़ीय वार इनमें लगता है। और तो ये वेदांत आचार्य कैसे हुए, ये कौन है, ये हमारे संप्रदाय के रक्षा किए हैं जो चार संप्रदाय विशेष करके हैं श्री रुद्र ब्रह्म सनक। तो उसमें भी चार संप्रदाय में भी जो हमारा संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, तो ये संप्रदाय को किस प्रकार इन्होंने किस रूप गोस्वामी के आनुगत्य में हमारे जो रूपानुगत्य में किस प्रकार बलदेव विद्याभूषण पाद ने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया। वास्तव में उनके जो आचरण को हमको बस दूर से प्रणाम करके उनको बस प्रणाम करके स्पर्श करने के लिए थोड़ा स्पर्श करने की हम कोशिश करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने विशेष करके जिस चीज़ को दिया, प्रभुपाद ने विशेष करके जिस विचार को दिया, वास्तव में प्रभुपाद हमारे लिए और हमारे गुरुवर्ग ने वास्तव में एक हमारे जगत में बड़ा अमूल्य है, उसका बड़ा महत्व है। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले बोलते हैं श्रील प्रभुपाद कि वो बोलते हैं कि मैंने प्रभुपाद का वाणी है, प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने व्यास पूजा किया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का, मैंने व्यास पूजा किया, किस भाव में मैंने व्यास पूजा किया। तो कुछ पार्षद लोग उनके शिष्य लोग बोलते हैं आप तो आरती नहीं किए भंडारा नहीं किए, तो प्रभुपाद का वाणी बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं मैंने व्यास पूजा किया, मैंने व्यास पूजा किया जो जिस भाव में जो महाप्रभु को धारा को जो लुप्त हो रहा था मैंने परिक्रमा के माध्यम से व्यास पूजा किया, गौरमंडल ब्रजमंडल क्षेत्र मंडल में भक्तों के साथ जिस परिक्रमा प्रभुपाद ने किया ना वो वास्तव में प्रभुपाद का व्यास पूजा था। और प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने व्यास पूजा किया, कौन सा व्यास पूजा किया कि जिस कार्य को बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने किए, ये प्रभुपाद का वाणी, जिस कार्य को बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद प्रभु ने किए कि किस प्रकार परकीय भाव को स्थापन किया, जयपुर में जाके परक श्रवण करेंगे उस चरित्र को, परकीय भाव को स्थापन किया और संप्रदाय में जो अपसिद्धांत तो घुस जाते हैं, संप्रदाय में किस प्रकार अपसिद्धांत तो घुस जाते हैं, बीच बीच में बहुत बहुत कुतर्क होते हैं, तो किस प्रकार प्रभुपाद ने उसका पूरा शास्त्र की युक्ति दे के वो अपसंप्रदाय को हटा दिया पूरा। हमारे परम गुरुदेव आचार्य केसरी, हमारे परम गुरुदेव भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज गौड़ीय वेदांत भाष्य के ऊपर उसमें वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखे, किस प्रकार का पांडित्य दिखाया, किस प्रकार का उन्होंने वहाँ पे पूरा सबके गौड़ीय वैष्णव जगत में जिस प्रकार अपसिद्धांत घुसाएगा उसको कोई अगर अध्ययन करे तो अपसिद्धांत तुरंत ही इतना पावर है कि अपसिद्धांत को खंडन कर सके। तो इस प्रकार प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने व्यास पूजा किया, प्रभुपाद का वाणी मैंने व्यास पूजा किया, किस भाव में कि गौड़ीय समाज में जिस प्रकार का अपसिद्धांत आ गया था, जिस प्रकार का अपसिद्धांत को लेके उसमें फिर विशुद्ध हो रहा था,
उसको मैंने हटाया शास्त्र के द्वारा, और हटा के उसको क्या किया, सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद बोलते हैं, ये जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु इनके ही आदर्श से हैं एक अर्थ से। तो इसमें बता रहे हैं जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु हैं, आज उनका शुभ तिरुभाव तिथि है, और इनके विशेष करके इनके बारे में ज़्यादा कुछ शास्त्र में और गौरचरित्र पार्षदावली आदि में विशेष रूप में मिलता नहीं। और जो गोड़े बलदेव विद्याभूषण प्रभु है, बस इनके गुरु परंपरा के बारे में बता रहे हैं कि इनके गुरुदेव कौन है, श्री दामोदर, श्री राधा दामोदर पंडित, इनके गुरु का नाम बता रहे हैं। ये किनके शिष्य हुए, इनके परंपरा को अगर थोड़े से दृष्टिपात करोगे तो इनके जीवन चरित्र में नहीं लिख रहे हैं। पूज्यपाद हमारे उत्कल के जो रसिक चूड़ामणि, उत्कल प्रचारक, प्रेम प्रवर्तक श्री कनक मंजरी श्री श्यामानंद प्रभु ने उनके जो शिष्य गण है, उनके शिष्य प्रशिष्य गण में ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का नाम आ रहा है। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि श्री श्यामानंद प्रभु का जो शिष्य श्री रसिकानंद प्रभु, और उनके शिष्य श्री नयनानंद प्रभु, उनके शिष्य मुरारीनंद प्रभु, और उनके शिष्य राधा दामोदर प्रभु, और उनके शिष्य है ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु। तो एक दृष्टि से शास्त्र के अगर उसमें अगर थोड़े से दृष्टिपात करोगे तो पता चलता है जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु है, उनका पंचरात्रि के दीक्षा और उनका जो वास्तविक जो गुरु ग्रहण वो श्री राधा दामोदर पंडित से ही हुआ है। तो ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु पहले माधव संप्रदाय के एक मठ में रहा करते थे, बचपन से बड़े शास्त्रज्ञ थे, बड़े संस्कृत का व्याकरण इत्यादि में सब निपुण थे। फिर बाद में इन्होंने श्री जिस प्रकार श्री राधा दामोदर पंडित के पास आए, इनके गुरुदेव के पास, और गुरु ग्रहण किए, और उसके पश्चात गुरुदेव ने उनको गौड़ीय भाष्य का दर्शन करवाया। वास्तव में गौड़ीय किस प्रकार का, गौड़ीय जो नाम है किस प्रकार, किस चीज़ के लिए महाप्रभु आए, ये सब जैसे सुनते हैं ना, ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु कम नहीं है। ये कौन है, साक्षात श्रीमन महाप्रभु के परिकर हैं। तो ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु इसको सुन के आकृष्ट हो जाते हैं, तो अधिक जानने की कोशिश करते हैं। तो अधिक जैसे जानने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय श्री राधा दामोदर पंडित जो थे वो हमारे उड़ीसा में ही रहा करते थे। तो इनके कुछ मत के अनुसार ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु, हम जाते हैं ना खीर चूरा गोपीनाथ रेमुणा, तो वहाँ पे उनका जन्मस्थली है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु के श्रीपाठ है गोपीनाथ मंदिर से थोड़े आगे पास में ही है। तो वहाँ पे बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र पूरी धाम में, उसमें बड़े बड़े पंडित विद्वान रहा करते थे। वहाँ पे फिर माधव संप्रदाय के एक मठ में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने संस्कृत का अध्ययन किया। तो ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु जिस प्रकार गौड़ीय भाष्य का, जैसे ही उन्होंने महाप्रभु का अवदान को सुनते हैं तब इनकी इच्छा होता है कि वैष्णव जगत में और प्रवेश करने जाते हैं। तो उस समय पूरी धाम से श्री राधा दामोदर पंडित श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु को वृंदावन भेज दिए, और उसी समय वृंदावन का सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, सब वैष्णव विशेष करके अप्रकट हो चुके थे, लेकिन जो एक वैष्णव थे जो है महामहोपाध्याय श्री रसिक कुल चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शरण में गए, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से इन्होंने सारे के सारे शास्त्र को बड़े विशेष रूप में अध्ययन किया और शिक्षा ग्रहण किया। उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृद्ध हो चुके थे। एक समय की बात है, जयपुर में जो राधा गोविंद जी के मठ है, मंदिर है, राधा गोविंद जी के मंदिर, वहाँ पे कुछ श्री संप्रदाय के, रामानंद संप्रदाय के कुछ वैष्णवगण वहाँ पे गए, और देखते हैं कि कृष्ण के साथ कौन है वहाँ पे, राधा रानी है। तो कृष्ण के साथ राधा रानी को देख के वहाँ पे बोलते हैं, अरे कृष्ण के साथ राधा रानी को तो विवाह हुआ नहीं। वहाँ पे दो प्रश्न तर्क करते हैं, कुतर्क देते हैं, बोलते हैं राधा रानी का यहाँ उपस्थित रहना ठीक नहीं है, कृष्ण के साथ तो लक्ष्मी जी का पूजा होना चाहिए, रुक्मणी जी का, क्योंकि कृष्ण के साथ शादी हुआ था लक्ष्मी जी का, इसलिए यहाँ राधा रानी को विग्रह को हटा करके लक्ष्मी जी का पूजा करवाओ, लक्ष्मी जी का विग्रह स्थापन कराओ। उस समय जयपुर का राजा जयसिंह देव ने, गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित थे, और जयसिंह देव ने बड़े वो इतना शास्त्रज्ञ नहीं थे, उनको खंडन नहीं कर पाया। तो श्री संप्रदाय के जितने भी वैष्णवगण थे उन्होंने बोले, भाई देखो आप अगर शास्त्र के द्वारा अगर हमारे वाणी को खंडन कर सकते हो, तो आपके भाष्य के द्वारा अगर हमारे वाणी को खंडन कर सकते हो तब तो राधा रानी रुकेंगे, नहीं तो इनको हटा के हम लक्ष्मी जी को स्थापन कर देंगे। अब इस खबर को श्री जयसिंह ने बड़े घबरा गए और बड़े विचलित होकर वृंदावन में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास एक पत्र लिखे,
कि ऐसा ऐसा बात हो गया है जयपुर में, श्री संप्रदाय के कुछ वैष्णवगण आके कृष्ण के पास, गोविंद देव के पास लक्ष्मी जी को स्थापन करना चाहते हैं। तब ये सुन के ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, उस समय वृद्धावस्था थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण प्रभु, यानी अपने बलदेव विद्याभूषण प्रभु के शिक्षा गुरु हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभु, ठाकुर चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु आप चले जाओ, आप सारे वेदांत दर्शन, सारे शास्त्र, सारे तर्क में आप सब में पारंगत हो, आप गौड़ीय भाष्य में भी पारंगत हो, तो आप कृपा करके चले जाओ। तो उस समय बता रहे हैं, देखो यहाँ पे एक प्रभुपाद बोल रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृद्ध हैं, लेकिन वैष्णव जगत में ये वृद्ध ये सब वार्ड नहीं है। क्यों नहीं है, इसका उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये वाले जो सबसे पहले वाले जो गुरु परंपरा वाले जो फोटो है, तो उसमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी किस प्रकार वृद्ध थे, 100 साल से भी ऊपर हो गया था, और उनके आँख ऐसे पूरा बंद हो गया था, कोई अगर दर्शन करना चाहते थे उनके सेवकगण उनके आँख जो एक पलके हैं उसको उठाते थे, और ऐसे उनका स्थिति हो गया था कि वो उनका कमर झुक गया था। इसी परिस्थिति में भी, इसी वृद्धावस्था में भी जब उनको नवदीप लेके आए, ब्रज से नवदीप लेके गए टोकरी में बिठा करके, तो जैसे ही टोकरी में बिठा के नवदीप लेते हैं, गौरवाभिभाव भूर्मिष्टम निर्दिष्टम सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ है, श्री जगन्नाथ है जन्म, पूरा गौरमंडल ब्रजमंडल क्षेत्रमंडल में एक छत्र वैष्णव थे, इन्होंने अगर प्रमाणित कर दिए तो महाप्रभु का जागा जो, महाप्रभु का जगह जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान को इन्होंने चिन्हट कर दे और बोल दे कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान है, तो पूरा वैष्णव जगत में इनका बात को स्वीकार किया जाएगा। तो गौरव आविर्भाव भूर्मिष्टम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय, कि महाप्रभु के आविर्भाव को जो स्थली को निर्दिष्ट किया, बोले यही जगह है। तो जिस समय ये कौन ना भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को ले जा रहे थे, तो इतने वृद्ध परिस्थिति में जो चल नहीं पा रहे, जिनके कमर ऐसे पूरा झुका हुआ है, आँख पलक देख नहीं पा रहे, जैसे ही महाप्रभु के जन्मस्थान पर पहुँच गए तो तक्षणात वहाँ पर छलांग लगा के उदंड नृत्य कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं वैष्णव शरीर सदा अप्राकृत जय निंदे हिंसा करे, वैष्णव शरीर, वैष्णव के जो शरीर होते हैं वो साथ साथ चिन्मय शरीर होते हैं, अप्राकृत शरीर होते हैं, ये तो जीव को शिक्षा देने के लिए वृद्धावस्था देखते हैं। अब इतने वृद्ध में भी, अब जो बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो बोल रहे हैं मैं वृद्ध हूँ, तो ये तो साक्षात किशोरी जी के क्यों है, राधा रानी जी के मंजरी हैं, सखी हैं, तो ये इनका वृद्ध शरीर कैसे हो सकता है, ये तो साधा साक्षात चिन्मय शरीर है। फिर भी भगवान कौन क्या करते हैं, किस समय किन किन आचार्य के द्वारा क्या क्या स्थापना करते हैं, ये पूर्व निर्धारित रहता है। इसीलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु को इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जयपुर भेजा, और जैसे ही बलदेव विद्याभूषण प्रभु को जयपुर भेजते हैं, अब जयपुर भेजने के बाद वहाँ पर विशेष करके राधा गोविंद जी के मंदिर पर जाके वहाँ पर बड़े तर्क किया, और तर्क करने के बाद वहाँ पे सारे इतने श्री संप्रदाय के वैष्णवगण है, वो लोग तो हार तो गए लेकिन माने नहीं, बोल रहे हैं कि आप अगर केवल वेदांत भाष्य को ही हम स्वीकार करेंगे, आप ये वेदांत भाष्य को, दो तीन प्रश्नों को था, पहला प्रश्न था हमारी भारत की संस्कृति में वेदांत भाष्य का कोई स्थान है, वही लड़की ही पुरुष को पास में रह सकता है, बगैर शादी के अगर कोई लड़की किसी पुरुष को पास में रहे समाज स्वीकार करेगा, करेगा उसको निंदा करेगा। तब उनका पहला प्रश्न था ये राधा रानी को कहाँ से ले आया, क्योंकि भागवत में कथा, अब लोग कथा सुने हमें भागवत में, भागवत में आता है रुक्मिणी को साथ में, सत्य भावा को साथ में, कृष्ण के साथ ही हैं, और राधा रानी का तो उनको प्रेम, कृष्ण तो प्रेम करते थे राधा रानी को, इसलिए फिर राधा जी को फारिग आप क्यों रखे, ये इनका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था वहाँ जो मंदिर है, एक मंदिर है वहाँ पर पहला राधा कृष्ण की पूजा होती है, उसको बाद में फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा होता, उनका दूसरा प्रश्न था कृष्ण तो द्वापर युग में आए और भगवान नारायण कब आए, अनादिकाल से, जिनके नाभि कमल से सत्य युग में ब्रह्मा सृष्टि हुए, फिर जगत का सृष्टि हुआ, ये तो सत्ययुग की बात है, नारायण अजन्मा, लेकिन कृष्ण तो द्वापर युग में जन्म लिए, लेकिन यहाँ पर पहले आप कृष्ण पूजा करते हैं उसको बाद में
फिर नारायण को पूजा करते हो, ये कैसे, ये गलती बात सब। तीसरा प्रश्न है, बोले तुम लोग जो राधे राधे बोलते हो, भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है? भागवत श्रेष्ठ ग्रंथ, सारे शास्त्र का निचोड़ भागवत है, तो आप इतना राधे राधे बोलते हो, भागवत में राधा जी का नाम तो है ही नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किया है ना, राजा को तो ये सब बात पता ही नहीं, दिमाग तो चकरा गया। फिर उन्होंने विश्वनाथ चक्र ठाकुर को भेजे, ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु को भेजे। आप लोग जयपुर गए हो? कौन कौन जयपुर गए? एक दो हाँ, कौन जाना चाहते हो? उसको पिंक सिटी कहते हैं, पूरा चारी तरफ में एक सिटी मिलेगा, चारी तरफ में पिंक रंग का वाला मिलेगा, और वहाँ पर बड़ी सुंदर गलता गदी है, जहाँ पर गंगा स्वयं प्रकट हुई है, और वहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर स्थान है, अद्भुत अद्भुत स्थान है जयपुर में, बड़े लोग टूरिस्ट प्लेस है जयपुर, एक बार आपको सब ले जाएंगे। और जितने हमारे गौड़ियों का ठाकुर है ना, सब वहीं पर मिलेगा, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, और विशेष करके वहाँ पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये तीनों ठाकुर को एक दिन में कोई दर्शन कर ले कभी, उसको कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता है। एक सूर्यास्त भी ये तीनों ठाकुर को दर्शन करनी चाहिए। लेकिन दो ठाकुर तो जयपुर में, एक ठाकुर करौली में, एक ठाकुर मदन मोहन है, उसका अगर सवेरे सवेरे निकलो तो यहाँ से हैं, फिर तो तीनों ठाकुर एक दिन में दर्शन हो जाता है, उसका दर्शन करने का बड़ा महत्व। इसलिए उन्होंने ये जो प्रश्न किए ना, और वहाँ पर तो इतने मोटे मोटे चौड़े लंबे लंबे साधु थे, और हमारी गौड़ीय संप्रदाय से, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के बड़े दीनहीन रूप में रहते हैं, बलदेव विद्याभूषण पर एकदम दुबले पतले घुटन तक कपड़े पहने हुए, ऊपर कुछ है ही नहीं एकदम, बोले दोनों व्यक्ति में शास्त्रार्थ होगा, तब बोले भैया तुम्हारी पक्ष में कौन, गौड़ीय वैष्णव में? बोले ये व्यक्ति। बोले ये तो फूद है ना, उड़ जाएगा, ये क्या कथा बोलेगा है। और दूसरे तरफ में इतने मोटे मोटे लंबे चौड़े सब लाल लाल रंग, लेकिन वहाँ पर शास्त्रार्थ भी तो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, ऐसे शास्त्र का उन्होंने ऐसे जुक्ति तर्क उन्होंने दिया ना संस्कृत भाषा में, संस्कृत के धुरधर पंडित थे, अद्भुत विद्वान थे, संस्कृत भाषा में वहाँ पर शास्त्रार्थ हुई। तब उन्होंने पहले ये बताओ, राधा रानी के साथ में कृष्ण की शादी कहाँ हुई, ये राधा रानी को कैसे यहाँ पर रखे हो? लेकिन हमारे वृंदावन गए हो? वृंदावन गए तो वृंदावन है, लेकिन वहाँ पर एक स्थान भांडरी भट्ट गए हो? भांडरी भट्ट कौन कौन भांडरी भट्ट गए? कहते वहाँ पर देखना, ब्रह्मा जी राधा रानी को साथ में कृष्ण को शादी कराए भांडरी भट्ट। आप लोग संकेत में गए हो? नंदगांव बरसाना का बीच में संकेत है, वहाँ पर एक स्थान देखना, जहाँ पर वहाँ पर भी राधा कृष्ण की विवाह मंडप है, जहाँ पर राधा कृष्ण की वहाँ पर शादी हुई है। नंदगांव गए हो कि वहाँ पर एक झूला डला हुआ जिसमें राधा कृष्ण झूला झूलते थे, बरसाना भी झूला झूलते थे। इसलिए वहाँ पर बहुत सारे स्थान ब्रज में अभी है जहाँ पर राधा कृष्ण की शादी हुई है, लेकिन साधारण रूप में देखता है कृष्ण राधा कृष्ण जब आए तो कहते यहाँ पर तो शादी नहीं हुई, तब उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया। आप लोगों ने शादी किए हो? कौन कौन शादी किए हो? सब शादी किए हो। जैसे मानो बड़ों में तुम्हारी शादी हो गई, बड़ों में यहाँ पर दोनों पति पत्नी रह रहे हो, तुम्हारे जो पति यहीं पर रहते थे लेकिन नौकरी करते थे यहाँ पर, लेकिन इनकी ट्रांसफर हो गया कलकत्ता, नहीं तो इनके ट्रांसफर और किसी जगह पर हो गया, लेकिन जब यहाँ से आप पत्नी को लेकर के जाओगे, जहाँ पर जाओगे फिर दो बार शादी करने का जरूरत है? क्यों दो बार शादी करना नहीं जरूरत है? क्योंकि एक बार शादी हो गया है, जब स्त्री मांग भर लेती है, सिंदूर मंगलसूत्र पहन लेती हैं, जब ये और किसी देश में जाते हैं ना, लोग देखकर पता चलता है ये इनकी घरवाली, ये इनकी पत्नी। कहते उसी तरह जो राधा कृष्ण ये गोलोक वृंदावन में नित्य विहार करते हैं, गोलोक वृंदावन में नित्य विहार करते हैं, इसलिए वहाँ से जब इसी जगत में आते हैं, ऐसे नहीं जहाँ पर जाए फिर दोबारा शादी करें, यहाँ से ट्रांसफर होकर जाए फिर दोबारा थोड़ी शादी करते, बार एक बार तो शादी हो जाती है। इसलिए उन्होंने ऐसे जुक्ति, फिर उन्होंने वेदों में प्रमाण दिया है, वेदों में श्लोक है, श्यामम छमलम प्रपदे, श्यामम श्यामम छवलम प्रपदे, राधा माधव देव राधाया माधव देव माधव सह राधिका, उन्होंने वेदों का मंत्र से उन्होंने उदाहरण देकर समझाए। देखो राधा कृष्ण का यहाँ पर राधा कृष्ण कैसे एकात्मा केवल लीला करने के लिए दो रूप हुए हैं, वेद में कैसे उनकी नाम और उनकी राधा कृष्ण का नाम आते, बहुत उन्होंने प्रमाण दिया। फिर बोले भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है? फिर उन्होंने इतने श्लोक में तो आपको बोलता रहता हूँ, भागवत में है तो कहाँ, नहीं हो तो क्यों नहीं,
इतने श्लोक उन्होंने भागवत में प्रमाण दिया, कितने श्लोकों को, कल पहला जो श्लोक है जन्मादस्य जतः, ये श्लोक को उन्होंने जो व्याख्या किया सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य श्री राधा रानी को ध्यान करते हैं, गोपी गीत का पहला श्लोक, रासलीला का पहला श्लोक, नंद बाबा जब गर्गाचार्य नाम कर, इतने श्लोक भागवत से दिखाए ना, राधा कैसे, राधा का नाम कैसे भागवत में, कण कण में कैसे राधा जी का नाम है, ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् मतलब श्री मतलब राधा रानी, मद मतलब प्रेम, वो केवल भागवत नहीं है राधा रानी का, इतने उन्होंने प्रमाण दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कैसे पूर्ण ब्रह्म है, नारायण कैसे अंश और कला, भागवत से इतने श्लोक उन्होंने उठा करके दिखाया, पंडित लोग देख देख कर बोले बाबा देखने में तो बड़े दुबले पतले, बाबा ने क्या शास्त्र युक्ति तर्क दिया, सबका मुंह उन्होंने बंद कर दिया, सब चुप हो गए। फिर जब चुप हो गए फिर उन्होंने लास्ट प्रश्न किया, बोले देखो हर संप्रदाय में भाष्य है, तीन ग्रंथों के ऊपर भाष्य हो तब उसको संप्रदाय मानी जाती है, नहीं तो नहीं मानी जाती है। तुम्हारी भागवत में ऊपर में भाष्य कहाँ, वेदांत सूत्र में भगवत गीता उपनिषद में भाष्य कहाँ है, बोले कदे गौड़ पुराण कहता है अर्थ एवं ब्रह्म सूत्र नाम, ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ भागवत है, बोले कुछ हो हर संप्रदाय में भाष्य, तुम्हारी संप्रदाय में भाष्य कहाँ है, बोले ठीक है मेरे को 7 दिन दो। तो उन्होंने गोविंद देव को, आप जयपुर गए हो वहाँ पर गोविंद देव, गोविंद देव पास में गए तो गोविंद देव उनको सपना दे सके, बोले कोई चिंता मत करो केवल तुम पेन को पकड़ो, केवल तुम पेन को पकड़ो और मैं सब कुछ लिखवा दूंगा। 7 दिन के अंदर में इतने सुंदर भाष्य रचना की, सारे संप्रदाय का लोग देख देख कर आश्चर्य हो गए, और उन्होंने क्या श्रृंगार रस की व्याख्या किया अब तो सोच नहीं सकते, जिस ग्रंथ को मेरे गुरुदेव ने प्रकाशित किया, मेरे गुरुदेव बहुत बड़े विद्वान थे, ये सारे ग्रंथों के ऊपर भाष्य लिखे, इसलिए श्री बलदेव प्रभु हमारी संप्रदाय की बहुत बड़ी उन्होंने सेवा की, हमारा संप्रदाय को उन्होंने रक्षा किया। आज ये महापुरुष का जन्मतिथि आप चिराग आ जाओ, इसलिए ये महापुरुष हमारे ऊपर आशीर्वाद करे, कृपा करे, हैं हाँ, इसलिए इनका तिरुभाव महोत्सव यह हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, इन्होंने जो सिद्धांत को स्थापना करते हुए गए जैसे हम इसको रक्षा कर सके, ठीक है ना। देखो इसलिए ये जो विचार है ना इसको सुननी चाहिए, विचार नहीं सुनोगे ना, मैंने पहले बताया था ना 3 तरह का भक्त है, कितने तरह का, क्या क्या बोलो, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, आप बताओ उत्तम का लक्षण क्या बताया था, बोलो। कनिष्ठ भक्त उसे कहते हैं जिसका भक्ति डामाडोल सा भक्ति है, स्थिर भक्ति नहीं है, क्योंकि उसको सिद्धांत पता नहीं। मध्यम भक्त कौन होता है, कभी जिसकी स्थिर सिद्धांत है, खुद तो भजन को कर लेता लेकिन दूसरों को समझा नहीं पाता। और तीसरा तरह का कौन था, जो स्वयं भजन भी करते हैं और दूसरों को भी शास्त्र युक्ति को तरह दूसरों को भी भजन में लगा दे, कहते उत्तम भक्त। इसलिए आपको उत्तम भक्त होना, कनिष्ठ भक्त नहीं होना है, कनिष्ठ भक्त है जिनका बुद्धि स्थिर नहीं है, किसी अवस्था में भजन को वो छोड़ छाड़ कर इधर उधर भाग जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं कनिष्ठ। इसलिए सबको उत्तम भक्त होना, ठीक है। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय विश्वपाद अश्वोदर्शत भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत, परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत, परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत, उपस्थित समस्त वैष्णव सभी को दंडवत प्रणाम। टाइम बहुत थोड़ा सा बच रहा है इसलिए जल्दी अभी गुरुदेव ने बोला कि किस किस ने विवाह किया है, तो मैं पूछ रहा हूँ बड़ौत में किस किस का ब्याह हुआ है भैया, वो बहुत भाग्यशाली जिसका बड़ौत में ब्याह हुआ, देखो श्यामानंद प्रभु अंदर से आवाज बोल रहे, अरे वो तो इसीलिए भगवान व्यास से पूछा कि आपने 18 पुराण की रचना करी तो क्या कहना चाहेंगे, तो व्यास भगवान ने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, बोले मैंने 18 पुराण की
रचना कर दी है, परंतु दो बातें ही कहना चाहूंगा, परोपकाराय पुण्याय, दूसरों पर परोपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये कहा। अब वही बात है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। देखिए, भगवान की भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है, यही कॉन्सेप्ट है अभी का। ब्रह्मा भगवान की भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है, और श्री भगवान किसी भी जाति में प्रस्तुत हो सकते हैं। भगवान नरसिंह जी के लिए बड़े ही बने, भगवान सांवर सेठ बने, भगवान यदुवंश में पधारे, भगवान सूर्यवंश में पधारे, कहीं भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा है ना, तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया, हो तेरी जात न हाजी, तेरी जात न हाजी, तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। इसलिए भगवान भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, भगवान की भक्ति भी कहीं भी प्रकट हो सकती है। इस कारण से पापाय परपीडनम, परोपकाराय पुण्याय। अब भगवान की जब भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है, तो भगवान की भक्ति के रूप में संत भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। कोई प्रकट होता है आंध्र में, कोई प्रकट होता है कहीं में, हमारे गुरुदेव प्रकट हुए उड़ीसा में। इसलिए भगवान भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, भगवान की भक्ति भी कहीं भी प्रकट हो सकती है। इसलिए अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, दूसरों पर उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और सबसे बड़ा परोपकार क्या है, दूसरों को नित्य भगवत सेवा में अनुग्रहित करना, उसको प्रस्तुत करना, भगवान की कथा को सुना करके उसके हृदय को और उसके मन को और उसकी देह को पुनीत बना देना, यही परोपकाराय पुण्याय, यही पुण्य है सबसे बड़ा। और हमारे परोपकाराय पुण्याय के सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे शिला गुरुदेव हैं। इसलिए परोपकाराय पुण्याय, इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कौन भाग्यवान जीव ऐसा है जो परोपकाराय पुण्याय ग्रहणाय, जिसने पापाय परपीडनम, जिसने गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जो गुरुदेव के प्रसाद को प्राप्त कर पाए। भैया, इसीलिए भाग्यवान कब होंगे, जब गुरुदेव और वैष्णवों के अनुसार अनुगत करेंगे हम लोग, उनके वचनों का अनुसरण करेंगे। इसलिए हम एक दास का क्या कर्तव्य है कि कैसे हमारे इष्ट प्रसन्न हो, कैसे हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो। याद आता है, स्मरण आता है कि जब श्री जानकी जी जब बैठी हैं और सामने बड़ा सा आईना रखा है, शीशा रखा है, दर्पण रखा है, तो सामने श्री जानकी जी अपना दिव्य श्रृंगार कर रही हैं, और जैसे ही श्री जानकी जी ने अपनी हस्त मालिका को प्रकट करके और मांग में सिंदूर आपूलित किया, इतने में श्री कपिध्वज जो अर्जुन के रथ के ध्वज के ऊपर साक्षात कपिस श्रेष्ठ श्री हनुमान है, तो हेमपिंगल श्री हनुमान जी वहां प्रस्तुत हुए, और हेमपिंगल श्री हनुमान जी ने कहा, माता ये क्या कर रही हैं। तब माता ने कहा कि इससे तुम्हारे स्वामी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए मैं ये सिंदूर अपोलित कर रही हूं। देखी सिंदूर बिंदु सिय भाल, देखी सिंदूर बिंदु सिय भाल। तो हनुमान जी ने जब देखा कि जानकी जी सिंदूर आपोलित कर रही है, तो हनुमान जी ने क्या किया, किए निज तन सिंदूर सिलाल, और निरख भई रघुवर भई निहाल, आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। जब देखा सिंदूर लगा लिया, तो हनुमान जी ने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया, राम जी के समक्ष गए, उछलते हनुमान जी, राम जी हंसने लग गए, बोले ऐसा प्रसन्न तो स्वामी को कभी नहीं देखा। तात्पर्य क्या है कि कैसे हमारे स्वामी प्रसन्न हो, इस कारण से गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भगवान और गुरुदेव के प्रसाद कब प्राप्त होगा, जब हम अपनी सेवा से श्री गुरुदेव को संतुष्ट कर देंगे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए।
और गुरुदेव संतुष्ट होकर के क्या करेंगे, जब गुरुदेव की कृपा परिवर्षित होगी तब जाकर के श्री दिव्य रस संचार करती हुई, कटी किंकणी को कुरन करती हुई, हाव भावों को प्रकट करती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई और श्री किशोरी जी अपने दिव्य लहंगे को फहराती हुई जब प्रस्तुत होती हैं, तो ऐसा लहंगा फेरता है कि उज्जवल नील मणि के अनुसार जब श्री किशोरी जी अपने दिव्य लहंगे को लहंगे से सिंचन करती है तो ऐसी दिव्य वायु का संचार होता है कि दिव्य वायु की दिव्य सुगंध में ऐसे श्रीमद् भागवत के दिव्य सूत्र प्रस्तुत होते हैं कि जब जीव के हृदय में जाते हैं तो कृष्ण प्रेम के झरने फूट पड़ते हैं। इस कारण से गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, श्री जी ही दे सकती हैं, श्री गुरुदेव दे सकते हैं, श्री जी ठाकुर जी दानी नहीं है। ठाकुर जी दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का नाम है नंद नंदन और नंदन शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत में बहुत सुंदर है। नंदन कैसे लिखेंगे? पुराने आदाने दे और फिर ना, है ना, नंदन शब्द ऐसे लिखेंगे। तो आदौ नकारः परतौ नकारः मध्ये नकारेण हतौ दकारः इत्थौ नकारः त्रय संयुतस्य कादान शक्ति खलुनंदनस्य। अरे जिसके आगे भी ने है पीछे भी ने है, आदौ नकारः परतौ नकार और बीच में जो आधा ने है उसमें जो बीच में दे है, दानी का द, दाता का द, दान का द, श्री गोविंद के देने का द, श्री गोविंद कृपा करे उसका द, श्री गोविंद के प्रस्तुत होने का दे, उस पर आधे मैंने उसकी गर्दन पर चढ़ करके उसकी गर्दन तोड़ डाली, इसलिए कादान शक्ति खलुनंदनस्य। इसलिए श्री गोविंद क्या दे सकते हैं? देने वाली तो श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी ही हैं। इसलिए श्री राधा रानी देती हैं, क्योंकि श्री राधा रानी पात्र का विचार नहीं करती, अपात्र का विचार नहीं करती। पात्रम पात्र विचारणम न कुरुते, श्री जी कभी विचार नहीं करती। इसलिए जब श्री गोविंद खुश हो, जब श्री गुरुदेव प्रसन्न होंगे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, गुरुदेव का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा, तब जाकर के हमें श्री ठाकुर जी और श्री ठाकुरानी जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये कारण है। इसीलिए सेवक कैसे, इसीलिए स्वामी कैसे प्रसन्न हो, इसका निरंतर चिंतन कर देना चाहिए। भगवान शंकर जो स्वयं श्री राम जी को हृदय में स्थापित करते हैं, ध्याये ताचानु बाहुं धृतशर धनुषं पद्मपद्मासनस्थं पीतं वासं वसानं नवकमलतल स्पर्तिनेत्रं प्रसन्नं वामांकुरूढ सीता मुखकमल मिलल लोचनं नीरदाभं नानालंकार दीप्तं ददत मुनु जटा मंडलं रामचंद्रम। ऐसे श्री रघुवर के ध्यान में सदा निरंतर श्री शंकर जी विद्यमान रहते हैं। शंकर जी बार बार सोचते हैं कि रघुवर को कैसे रिझाएं। इसलिए जब धनुष तोड़ने की प्रतिक्रिया आई और जब धनुष तोड़ने के लिए श्री भगवान चले, तो जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो शंकर जी ऊपर से देख रहे थे कि साक्षात रघुपुंगव अपने दिव्य मंजुल चरण का विन्यास करते हुए धनुष की ओर प्रतिगमन कर रहे हैं, तो ऊपर से शंकर जी ने धनुष को आवाज लगा दी, देख भैया धनुष, ये साक्षात मेरे स्वामी हैं, आ रहे हैं, इनको अगर कष्ट हो गया तो अच्छी बात नहीं है, तू याद रखना, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए छूने के, छुअत धनु ही टूटे ही भाई, इसलिए ये जब छूदे तुरंत टूट जाना। धनुष कैसा था? मयन महन पुर दहन गहन जानी आने के सबे को सार धनुष गढ़ायो है जनक सरसी जेते बड़े बड़े भूमि पाल कियो बलहीन बल आपनो बढ़ायो है कुलिस कठोर पूर्व पीठ ते कठिन आती काहुना पिनाक नेक चपरी चढ़ायो पर तुलसी सुराम के सरोज पानी पर सत टूट्यो मानो बारे ते पुरारी हु पढ़ायो। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बोले मयन महन पुर दहन गहन जानी, जिस धनुष से मयन महन त्रिपुरासुर का श्री भगवान शंकर ने वध किया था, पुर दहन गहन जानी आनी के सबे को सार धनुष गढ़ायो है, सबका सार लेकर के धनुष बनाया है। जनक सरस्वती जित बड़े बड़े भूमिपाल कियो बल हिन बल आपनो बढ़ायो है और कुलिस कठोर कुर्म पीठ ते कठिन थी, कच्छप नहीं
साधारण कछुए की पीठ नहीं, आदि कच्छप भगवान श्रीमन नारायण की जितनी पीठ कठोर है उतना ही ये धनुष कठोर है। परंतु मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री भगवान जब प्रतिगमन करते हुए धनुष की तरफ आए तो भगवान ने कहा, भैया पहले बता रहा हूँ टूट जाइए उनके छूते, क्योंकि स्वामी है वो मेरे, मैं सेवक हूँ उनका, सेवक स्वामी सखा सिए पीके। और जैसे ही श्री भगवान ने धनुष को स्पर्श किया तो उठाने से पहले ही टूटो मानो बारे ते पुरारी पढ़ायो है, टूट गया अपने आप धनुष, मानो भगवान शंकर ने पढ़ा करके भेजा है। इसीलिए वांछा कल्पतरुवेश कृपा सिंधु देव खत्म ही हो गया था वैसे। श्यामानंद प्रभु आपको जो श्लोक देंगे उस श्लोक को जो लिखी कर लेते हो लिख कर ले जाना, सब याद करके लेना, ठीक है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि हरि